नमो बुद्धाय। मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका अपना विहार अपनी आवाज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिपब्लिकन नगर नागपुर महाराष्ट्र का श्रावस्ती बुद्ध विहार। दर्शकों, इस वक्त मैं इसी विहार में मौजूद हूं, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये सफर। दर्शकों, विहार में आने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही वक्त है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा, और अब वक्त है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। तो आइए जानते हैं विहार की स्थापना कैसे हुई, किस तरह से ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य भविष्य में किया जाना बाकी है। जय भीम। माझा नाव सप्तऋषी आनंदराव लांजेवार। मी श्रावस्ती बुद्ध विहाराचा अध्यक्ष आहे। भारतीय बुद्ध महासभा यांच्या अंतर्गत
श्रावस्ती बुद्ध विहार या विहाराचं नाव ठेवण्यात आलं व त्यानंतर 26/8/2000 या विहाराचं नवीनीकरण करण्यात आलं. त्यानंतर 2006 लोकार्पण झालं. या विहारामध्ये भव्य मूर्ती ही 2008 ऑक्टोबरला आणण्यात आलेली आहे. जय भीम. मी नूतन मेश्राम. सगळ्या उपाशिका आम्ही इथे विहारामध्ये येतो, रोज वंदना करतो, इथे वाचन पठण करतो आम्ही रोज. इथे जयंती आंबेडकर जयंती वगैरे येतो, ते जयंती करतो साजरी. जय भीम. मी धनराज डोंगरे. ह्या विहार परिसराच्या याच्यामध्ये वाचनालय बनवायचं आहे, भिक्खू निवास बनवायचा आहे आणि वर डोम बनवायचा आहे. दर्शको अपना विहार अपनी आवाज़ में. वक्त है इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपके लिए बहुत कुछ बाकी है, तो कहीं जाइए मत, बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़. पकड़िए सर, सबको सर बोला, सबने पैर पकड़ा. दर्शकों ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना विहार अपनी आवाज में. और अब वक्त है एक प्यारी सी बोध कथा श्रवण करने का, तो आइए देर नहीं करते, सुनते आज की ये प्यारी सी बोध कथा. बात उस समय की जब तथागत भ्रमण के लिए निकले थे, तब एक गांव में पहुंचे. उस गांव में कुछ मनुवादियों ने तथागत के खिलाफ लोगों को भड़का दिया था, और जब तथागत को उन्होंने देखा तो उन्हें वे भला बुरा कहने लगे. कुछ लोग उन्हें गालियां तक देने लगे, लेकिन तथागत बड़े सुकून से, बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से वे सुनते रहे. लोगों को आश्चर्य हुआ कि हम इन्हें इतना भला बुरा कह रहे हैं, इन्हें कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है. तो किसी ने तथागत से पूछा कि हम आपको इतना भला बुरा कह रहे हैं, आपको गालियां तक दे रहे हैं, लेकिन आपके माथे पर शिकन तक नहीं है, ये कैसे संभव है. तो तथागत ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कहा कि समझिए, अगर आप किसी के जन्म दिवस पर उसे कोई तोहफा दे रहे हैं और अगर वो तोहफा वो नहीं लेता है तो वो तोहफा किसके पास रहेगा. तो उन्होंने कहा कि वो जो चीज़ हम उसे दे रहे हैं अगर वो नहीं लेता है वो हमारे पास ही रहेगा. तो तथागत ने कहा, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने मुझे भला बुरा कहा, मुझे गालियाँ दी, मैं उसका स्वीकार नहीं करता हूं, तो वो किसके पास रहेगी. उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ. गांव वासियों ने अपनी भूल को स्वीकार किया और तथागत के सामने नतमस्तक हो गए. तो दर्शकों इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हम भी जीवन में शांति बनाए रखें. सुकून हमें मिलेगा अगर हम शांति बनाए रखते हैं, और जो हम दूसरों को देते हैं अगर वो नहीं लेता है तो हमें वो वापस उसी तरह से मिल जाता है जिस तरह से इस कथा में गांव वासियों को मिला है. तो इसीलिए जीवन में सदा अच्छा व्यवहार करें, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण भाव से रहें. तो दर्शकों ये थी आज की बोध कथा. उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई प्यारी सी बोध कथा है तो बिल्कुल देर ना करें, इस व्हाट्सएप नंबर पर अच्छी कथा हमें भेजें, अच्छे सुविचार भेजें. लेकिन जब भेजें तो अपना नाम, पता, सब कुछ पूरी तरह से मेंशन कर भेजें, ताकि जब हम उसे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाए तो बता सके उसे हमें आपने भेजा है. अब वक्त है आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे. दर्शकों अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है इस वक्त, आप समझ गए बिल्कुल सही, गेम खेलने का, वही गेम जिसका आपको रहता है इंतजार, जिस गेम से आपको है प्यार, जो गेम आपके लिए खेलना है सपना, जो गेम सबको लगता है अपना, और जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना. जी हाँ, भीम का दीवाना. हमेशा की तरह रूल्स ये है कि इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहते रहना है. इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इसमें से कोई भी एक पार्ट को छूने के लिए कहूंगा. उन्हें शरीर के उस पार्ट को दोनों हाथों से छूकर दिखाना है, जैसे जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम, नाक पकड़िए, कान पकड़िए, सर पकड़िए, इस तरह से. जो मेरे कहते से ही करके दिखाएगा
वो हमारा विनर होगा। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। तो अब देखना है कि कितना आसान है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले कि शुरू करें, एक ट्रायल हम ले लेते हैं हमेशा की तरह। नाक को हाथ लगाएं, नीचे ले लीजिए। ओके दर्शकों, सब नॉर्मल है। नाक को कहते से ही नाक को हाथ लगाया गया। ओके, कोई टेंशन नहीं। अब गेम शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये टेंशन खत्म होता है या बढ़ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं भीम का। ओके, आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए सर, सबको सर बोला, सबने पैर पकड़ा। आपने रुक कर किया, रुक कर नहीं चलता, रुक कर नहीं चलता। ऐसे रुकेंगे और फिर करेंगे, इंस्टेंट होने चाहिए आपको। ये चक्र चलता ही रहता है और ये होता ही रहता है और होता ही रहेगा। और मैं कहता हूं, कहता ही रहूंगा कि आज भी कोई विनर नहीं है और ये सिलसिला चलता रहेगा। और फिर से कहूंगा कि मैं हूं भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दर्शकों। अपना विहार अपनी आवाज में, वक्त है सामूहिक शपथ लेने का। तो आइए हम सामूहिक शपथ लेते हैं। वही शपथ बाबा साहब ने हम सबको जो आदेश दिया था उस आदेश का पालन करेंगे और जो हमारा हमें कर्तव्य बताया था उसकी पूर्ति करेंगे। क्या था कर्तव्य और क्या था आदेश? बाबा साहब ने कहा था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए और इसी कर्तव्य की पूर्ति करनी है और इसी आदेश का पालन करना है। तो आइए आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ ले। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी न सिर्फ हमारे साथ मिलकर ये शपथ ली होगी बल्कि शपथ का पालन भी आप हमारे साथ मिलकर करेंगे। साथ ही साथ इसके लिए औरों को जागृत और प्रेरित जरूर जरूर करेंगे। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मुझे पता है आज का सुविचार। अगर किसी को आप तोहफा ही देना चाहते हैं तो ऐसा तोहफा दीजिए जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता रहे और ओवर ना हो और उसे जीवन की सारी खुशियाँ मिले, क्योंकि एक आत्मविश्वास ही वही चीज़ है जो इंसान को आगे बढ़ाती है। तो इसी सुविचार के साथ बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार कौन से वर्ष में प्रदान किया गया था, किसे पता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में और वक्त है सबके साथ मिलकर गाने का, गुनगुनाने का। मजा भी मचनावत, अच्छा लगता है सुनने में। ये मजा तब आएगा जब सब जने सब लोग मिलकर गाएंगे। तो आओ मिलकर गाएं। कुंकुलावील रमान
कुंकू लावील रमान माझ्या भीमाच्या नावाचं कुंकू लावील रमान कुंकू लावील रमान कुंकू लावील रमान माझ्या भीमाच्या नावाचं। दर्शको अब बारी है बच्चों के साथ गेम खेलने की। बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन पावर यानी कि एकाग्रता को बढ़ाने वाला ये गेम है और हम ये गेम बच्चों के साथ खेलने जा रहे हैं। ये गेम कैसा है मैं आपको एक बार बता दूं। इन सबको ऐसे खड़े रहकर एक हाथ से ऐसे करना है और फिर ये साइड चेंज हो जाएगी इस तरह से और ये चीज फटाफट करके दिखानी है। तो आइए देखते हैं कैसा हो सकता है। आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। जल्दी जल्दी। वाह वाह, अरे मजा आ गया। अरे बाप रे बाप। ये क्या कर रहा है? हाँ, ये तो कुछ भी ऐसे ऐसे क्या था? इतना जल्दी। 1 2 स्टार्ट। ये बहुत इजी है ना? यहाँ टेंशन ही छोड़ दिया। तो दर्शकों बच्चों को हम इन्हीं हाल पर छोड़ते हैं, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो गया इस वक्त सवाल और जवाब का। तो मैं फिर से एक बार तैयार हूँ सवालों के लिए और जवाब देने के लिए। सारे उपासक उपासिकाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम जान लेते हैं कि ये तैयार है या नहीं। आप सब तैयार है? आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, आवाज से तो लग रहा है कि तैयार नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आइए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल, जिस विहार में आप इतने सालों से आ रहे हैं उस विहार में कुल मिलाकर कितनी जगह पर अशोक चक्र हमें नजर आता है? आप देख रहे हैं सारी खिड़कियों में अशोक चक्र निकाले हुए हैं। ये कुल मिलाकर कितने हैं कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर कर। आ जाए आप, एक ही हाथ ऊपर हुआ है दर्शकों। अब देखना यह है कि सही है या नहीं, ये तो अब पता चलेगा। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। पायल रचमन मिश्रम। बताएं कितने हैं? 49। 49 गलत जवाब है, आप जा सकते हैं। कोई हाथ ऊपर हो नहीं रहा है दर्शकों, इसका मतलब ये हो गया है कि जवाब मुझे ही देना है। तो आइए मैं ही जवाब दे दूं। कुल मिलाकर इस विहार में 93 जिया 93 अशोक चक्र है, ऊपर नीचे सब मिलाकर। आप मेरे लिए तालियां बजा सकते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल भी इसी विहार से संबंधित है। इस विहार में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की एक छोटी सी प्रतिमा है वहां पे नीचे, तीसरी, 1 2 और 3। वो जो तीसरी प्रतिमा है उसकी उंगलियां इस तरह नीचे की ओर है तथागत की। वो जिस मुद्रा में तथागत विराजमान है उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है? कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। बेटा बात ना करें, एक भी हाथ ऊपर नहीं है। फिर से जवाब मुझे ही देना पड़ेगा, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, सवाल भी मैं ही पूछूं, जवाब भी मैं ही दूं, ठीक है। चलो मैं ही दे देता हूं। आपको तो पता है कौन सी मुद्रा है? हाँ बिल्कुल सही, भूमि स्पर्श मुद्रा उसे कहा जाता है। आप फिर से मेरे लिए तालियां बजा सकते हैं। हमारे विश्व रत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार कौन से वर्ष में प्रदान किया गया था? किसे पता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। भारत रत्न पुरस्कार कौन से वर्ष में प्रदान किया गया, कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। क्या हो रहा है दर्शकों?
लगता है मेरी हाइट्रिक पूरी हो ही जाएगी। खैर मैं ही बता दूं, 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। आप मेरे लिए फिर से तालियां बजा दें। चलिए दर्शकों, एक आसान सा सवाल कर लेते हैं। मूसा वादा वेर मणि सिक्खा पदंग समाधि आमी, इसका मतलब क्या है ये कौन बता सकता है? वो तो बता दे। मूसा वादा वेर मणि सिक्खा पदंग समाधि आमी, इसका मतलब बोले मत, सिर्फ आपको अगर जवाब पता है हाथ ऊपर करे आ जाए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। वनमाला राहुल सूर्यवंशी। बताएं क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब यानी दान देना, मूसा वादा मतलब दाना दान देना। नहीं था, ये आपका जवाब गलत हो गया है। आप आ जाए साहब, आपने भी हाथ ऊपर किया था। जय भीम साहब। जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम सप्तऋषि लांजेवा, मैं इसमें अध्यक्ष हूँ जी। बताएं साहब क्या? मूसा वादा वेर मणि सील का अर्थ होता है किसी से की चुगला चकोड़ी ना करे, किसी के निंदा ना करे, ये सील का अर्थ होता है। आप भी आ जाए एक बार, आपका परिचय दें। मेरा नाम सुरेंद्र वालदे। बताएं मूसा वादा वेर मणि सिक्खा पदंग समाधि आमी, क्या मतलब है इसका? मैं व्यभिचार करना नहीं। जी नहीं, इसका मतलब ये होता है कि मी खोटे बोलनार नहीं, मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दोनों का धन्यवाद, जोरदार तालियां इनके लिए। इसीलिए दर्शकों कहते हैं कि आप ये कार्यक्रम रेगुलर देखें, और जो पंचशील हम ग्रहण करते हैं उसका मतलब हमें पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों सवाल जवाब को हम यहीं विराम देते हैं, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों आवाज़ इंडिया टीवी चैनल को मजबूत करने के लिए आपको क्या क्या करना है पता है ना? बिल्कुल सही, सबसे पहले नियमित तौर पर देखें, औरों को ये चैनल देखने के लिए प्रेरित करें। दूसरा, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए क्या करना है? अपने घर परिवार रिश्तेदारों में होने वाले जन्मदिवस, शादी की सालगिरह, स्मृति दिन या अन्य किसी भी प्रकार के प्रसंग का, प्रतिष्ठान का कोई भी विज्ञापन वर्ष में कम से कम एक बार तो भी अपन ने आवाज़ इंडिया टीवी पे देना चाहिए, और इसे आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देना चाहिए। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन के जरिए मदद की है और इसे जिम्मेदारी समझते हुए बखूबी निभाया है। आइए देखते हैं कौन है वो उपासक उपासिका है जिन्होंने आवाज़ इंडिया टीवी को एक विज्ञापन के जरिए मदद की है। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन आम्ही आमचे कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को याद देकर हमें जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी पारी है। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य केलं, तुम्ही बंद करा। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को एक देखकर हमने जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी पारी है। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। दर्शकों ऐसा था ये श्रावस्ती बुद्ध विहार जो आता है रिपब्लिकन नगर नागपुर महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई प्यारा सा विहार है बिल्कुल देर ना करें। ये नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस पर हमें
व्हाट्सएप के जरिए अपने बिहार की संपूर्ण जानकारी भेजें। और अगर आपके पास है अच्छी बोधकथा, अच्छे सुविचार, अच्छे सुझाव, वो भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। तो दर्शकों, एक बात और बता दूं जाते जाते कि सारे बिहार मौजूद हैं यूट्यूब पर, याद है ना। बस टाइप करना है आपको अपना बिहार अपनी आवाज़ और सारे बिहार आपको फिर से नज़र आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे कैमरा पर्सन, कैमरा हेड हमारे जस्सी सर जी के साथ दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई जगह, नए बिहार। तब तक बने रहें आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना बिहार अपनी आवाज़।